उन्हें बोलने दीजिए। नए साल के अवसर पर इंदौर में 1 जनवरी को परफॉर्म करने के दौरान विधायक मालिनी गोड़ के पुत्र हिंद रक्षक के संरक्षक एकलव्य गोड़ द्वारा मुनव्वर फारूकी, नलिन यादव और उनके साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिनका जमानत आवेदन आज फिर खारिज हो गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र गुरु के यहाँ सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अपर लोक अभियोजक विमल मिश्रा और संजय शर्मा ने पैरवी की। जब इनके द्वारा कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और इनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया था, नाबालिग बच्चों के सामने अश्लील टिप्पणियां की गई थी, तो कोर्ट ने उनकी दलीलों को मानकर यह जमानत आवेदन खारिज कर दिया। मतलब मुनव्वर फारूकी और उनकी टीम को अभी और जेल में ही समय बिताना होगा। आज माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान यतीन्द्र गुरु साहब के यहाँ आवेदक नलिन पिता श्री धर्मेंद्र यादव तथा मुनव्वर पिता श्री इकबाल फारूकी का जमानत आवेदन पेश किया गया था और इस जमानत आवेदन पर अभियोजन द्वारा आपत्ति ली गई थी और अभियोजन ने बताया था कि घटना वाले दिन दिनांक 1/1/2021 को मुंडो कैफे में इन दोनों आरोपीगण द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया गया था और नाबालिग बच्चों और माताओं के सामने भी अश्लीलता प्रदर्शित की थी। इस आधार पर इनके खिलाफ थाना तुकोगंज ने मुकदमा पंजीबद्ध किया था और इनकी प्रथम जमानत आवेदन श्रीमान सीजेएम साहब द्वारा खारिज किया गया था और उससे व्यतीत होकर आज इन्होंने यह आवेदन पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन था, जिसे आज माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए और यह टिप्पणी की है इनके आवेदन पर कि ये इन दोनों लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का को अपमानित किया और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया तथा नाबालिग बच्चे और महिलाओं के साथ भी अश्लीलता का व्यवहार किया था। इस कारण से इस आवेदन को आज माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।